हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। आज का टॉपिक है हमारा डिक्शनरी कंप्रिहेंशन। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिना डिक्शनरी कंप्रिहेंशन की मदद से एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम डिक्शनरी कंप्रिहेंशन का यूज़ करके उसी कॉम्प्लेक्स टास्क को रिड्यूस करके कंप्रेस करके उसे परफॉर्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। डिक वन नाम से एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और फॉर लूप का यूज करेंगे। आई इन रेंज, रेंज के अंदर रेंज लेंगे हम कितना, 5 तक रेंज लेंगे। फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, डिक वन नाम से हमने जो डिक्शनरी बनाया है स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसके अंदर हम की को पास करेंगे। आपको पता है कि डिक्शनरी की और वैल्यू के फॉर्म में होता है, तो आप इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी पास करेंगे वो की के फॉर्म में होगा। जैसे कि आई, आई हमारा की के फॉर्म में वर्क करेगा, इक्वल टू उसी आई में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जिससे कि ये हमारा वैल्यू फॉर्म में वर्क करेगा और ये की के फॉर्म में वर्क करेगा। फॉर लूप के बाहर हम प्रिंट फंक्शन की मदद से जो हमने डिक्शनरी एम्प्टी बनाया है उसको हम प्रिंट कर देंगे। रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ गया है। हमारा आउटपुट आया है की और वैल्यू के फॉर्म में। ये हमारा की और वैल्यू के फॉर्म में एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। इस तरीके से हमारे डिक्शनरी में 5 एलिमेंट है जो कि की और वैल्यू के फॉर्म में। जो ये 0 है वो की है, और जो ये दूसरा 0 है कोलन के बाद वो वैल्यू है। ये 1 जो है की है, और जो ये 2 है वो वैल्यू है। इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ये एम्प्टी डिक्शनरी हमने क्रिएट करा है। फॉर लूप में हमने रेंज फंक्शन का यूज करा है, जिसमें एलिमेंट होंगे 0 से लेकर 1, 2, ऐसे करके इसमें एलिमेंट होंगे 4, 5। इससे रेंज फंक्शन के अंदर एलिमेंट होंगे 0 से लेकर 5 तक एलिमेंट। ये आई जो इटरेटर है एक एक करके इसके एलिमेंट को इटरेट करेगा। अब सबसे पहले आई में जो एलिमेंट होगा वो 0 होगा, और डिक्शनरी के अंदर जो आई है वो 0 आएगा, जो कि की की तरह फॉर करेगा। जो ये 0 है वो की है, और जो इक्वल टू के बाद ये जो आई इंटू 2 है ये वैल्यू है। मतलब कि 0 इंटू 2 क्या हो गया, 0 हो गया, जिसकी वजह से ये हमारा आउटपुट आ रहा है। उसके बाद रेंज में से अगले नेक्स्ट एलिमेंट को इटरेट करेगा। अब आई में क्या वैल्यू आ गया, 1 आ गया, और इस डिक्शनरी के की में जो हो गया 1 आ गया, जिसकी वजह से ये हमारा 1 आ रहा है। 2 हो गया, जिसकी वजह से वैल्यू में हमारा 2 आ रहा है। इस तरीके से ये एक एक करके रिट्रीव करेगा रेंज में से एलिमेंट को, और डिक्शनरी में इसको की और वैल्यू के फॉर्म में उसके एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा। इसी कॉम्प्लेक्स टास्क को हम सिंपल डिक्शनरी कंप्रिहेंशन की मदद से एक लाइन में परफॉर्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। एक कमेंट लिखते हैं, डिक्शनरी कंप्रिहेंशन। डिक टू नाम से एक डिक्शनरी लेते हैं, और इसके अंदर हम ये जो आई हमारा की के फॉर्म में वर्क करेगा, और आई इंटू 2 ये हमारा वैल्यू के फॉर्म में वर्क करेगा। उसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन, जिसके अंदर रेंज होगा 5 तक। ये हमारा बन गया डिक्शनरी कंप्रिहेंशन। एक लाइन में हमने डिक्शनरी कंप्रिहेंशन को परफॉर्म कर दिया। प्रिंट फंक्शन की मदद से डिक टू को जो हमने डिक्शनरी बनाया उसको प्रिंट कर देंगे। रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ गया, मतलब कि हमारे डिक्शनरी के फॉर्म में एलिमेंट आ गए हैं। ये कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, ये जो रेंज है हमारा इसमें एलिमेंट है 0 से लेकर 5 तक। जो इटरेटर है एक एक करके इसके एलिमेंट को इटरेट करेगा। पहले इसमें 0 आएगा, ये जो आई है आई में 0 आ जाएगा, और कोलन के बाद 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, वैल्यू 2 आ जाएगा, जिसकी वजह से ये हमारा 0 की है और ये 0 हमारा वैल्यू है। इस तरीके से इटरेटर नेक्स्ट वाले वैल्यू को इटरेट करेगा, जो कि अब आई में 1 आ गया है। अब इस आई में क्या आ जाएगा, 1 कोलन 1 इंटू 2, मतलब कि 1 इंटू 2 2 आएगा, जिसकी वजह से की में क्या है, 1 है, और वैल्यू में हमारा क्या है, 2 है। इस तरीके से लिस्ट कंप्रिहेंशन की मदद से आप सिंपल से एक लाइन में ही परफॉर्म कर सकते हो कॉम्प्लेक्स टास्क को।
अब इसमें हम कंडीशन लगा के देखते हैं, जैसे कि इसमें कंडीशन लगाएंगे इफ आई जो कि की है, की में जो वैल्यू है अगर वो डिविजिबल होगा टू से, उसका रिमाइंडर अगर जीरो आएगा तो वो क्या करेगा, सिंपल डिक्शनरी में एलिमेंट को स्टोर कर देगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। इस तरीके से आप डिक्शनरी के अंदर भी कंडीशन का यूज कर सकते हैं। रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ गया है जीरो जो कि की है, और जीरो हमारा वैल्यू भी है, और टू फोर हमारा की और वैल्यू के फॉर्म में एक एलिमेंट है, और फोर एट हमारा तीसरा एलिमेंट है जो कि फोर हमारा की है और एट हमारा वैल्यू है। ये कैसे वर्क कर रहा है, सबसे पहले ये जो डिक्शनरी है जो कि एम्प्टी है, फोर लूप में हमने क्या रेंज फंक्शन का यूज करा, जिसमें कि रेंज क्या है जीरो से लेकर फाइव तक। जो आई इटरेटर है एक एक करके इसके एलिमेंट को इटरेट करेगा, पहले आई में जो वैल्यू होगा जीरो होगा, क्या जीरो डिविजिबल है टू से, जो कि ट्रू आएगा, जो कि कंडीशन ट्रू होगा। उसके बाद जो कि डिक्शनरी वन करके जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो की के फॉर्म में जो कि जीरो होगा, और इक्वल टू ये वैल्यू के फॉर्म में जीरो इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, जिसकी वजह से ये हमारा की और वैल्यू के फॉर्म में एक एलिमेंट आ रहा है, एलिमेंट को इटरेट करेगा एक। अब आई में वैल्यू क्या आ गया वन, क्या वन डिविजिबल है टू से, जो कि कंडीशन फॉल्स होगा। उसके बाद ये यहाँ से फॉर लूप में दोबारा मूव कर जाएगा, फिर इटरेटर एक नेक्स्ट एलिमेंट को इटरेट करेगा। अब आई में वैल्यू क्या आ गया टू आ गया, क्या टू डिविजिबल है टू से, जो कि कंडीशन में ट्रू होगा, और इस की में टू आ जाएगा, आई में जो वैल्यू है टू है वो इसमें आ जाएगा की में, और टू इंटू टू जो कि हमारा क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ये आउटपुट आ रहा है की में टू आ रहा है फोर जो कि वैल्यू है। इस तरीके से आप डिक्शनरी के अंदर कंडीशन का भी यूज कर सकते हो। इसी कॉम्प्लेक्स टास्क को हम डिक्शनरी कंप्रिहेंशन की मदद से सिंपल से एक लाइन में परफॉर्म करेंगे। इस फोर लूप के बाद हम सिंपल से एक कंडीशन लगाएंगे जो कि इफ आई, जो आई में जो वैल्यू है वो डिविजिबल होगा टू से, जिसका रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तो कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर देगा, जिसकी वजह से डिक्शनरी में उस एलिमेंट को स्टोर कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसमें एक रेंज बढ़ा देते हैं जो कि सिक्स होगा। रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ गया है, जो रेंज में एलिमेंट है हमारे जीरो से लेकर सिक्स तक है, जीरो से लेकर सिक्स तक नहीं है, ये फाइव तक है। हमने जो भी रेंज लिया है पहले जीरो से लेकर फाइव तक बताया, जो कि गलत है, जीरो से स्टार्ट होगा और फोर तक जाएगा, जीरो वन टू थ्री फोर, टोटल हमारे कितने एलिमेंट हो रहे हैं फाइव एलिमेंट हो रहे हैं। बाय मिस्टेक मैंने उसे गलत बोला, आप समझ सकते हैं इसको, जीरो से लेकर फाइव तक होगा जिसका टोटल एलिमेंट क्या होंगे सिक्स एलिमेंट होंगे, ठीक है। इटरेटर जो है एक एक करके इसके एलिमेंट को इटरेट करेगा, पहले जीरो आएगा, फिर कंडीशन से चेक करेगा क्या जीरो डिविजिबल है टू से, जो कि कंडीशन हमारा ट्रू होगा। आई में वैल्यू आ जाएगा जीरो जो कि की के फॉर्म में होगा, और कोलन के बाद जो आई इंटू टू है जो कि वैल्यू के फॉर्म होगा, उसका आउटपुट क्या होगा जीरो होगा, जीरो इंटू टू इक्वल टू जीरो, जिसकी वजह से ये एलिमेंट आ रहा है जीरो कोलन जीरो। फिर उसके बाद इटरेटर नेक्स्ट एलिमेंट को इटरेट करेगा जो कि वन होगा, जीरो से अब हटकर वन आ जाएगा, क्या वन डिविजिबल है टू से, जो कि कंडीशन हमारा फॉल्स होगा। उसके बाद डिक्शनरी में उस एलिमेंट को वो स्टोर नहीं करेगा, फिर कर्सर हमारा मूव करेगा दोबारा फोर लूप में, फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट को इटरेट करेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो उसके एलिमेंट को तो उसको की और वैल्यू के फॉर्म में उसे स्टोर कर देगा डिक्शनरी में, नहीं तो नहीं करेगा। अगर आप इसके अंदर एक और कंडीशन का यूज करना चाहते हो, जैसे कि आई डिविजिबल बाय थ्री, उसका रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो वो डिक्शनरी में एलिमेंट को स्टोर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मतलब कि आप एक कंडीशन लगाया है उसके बाद एक और कंडीशन लगाया है, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तभी जाके डिक्शनरी में एलिमेंट को स्टोर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। रेंज हम इसको बढ़ा देते हैं जैसे कि 20 तक कर देते हैं। रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ गया। अगर आपका कंडीशन ये ट्रू है और ये ट्रू नहीं है तो इसमें एलिमेंट स्टोर नहीं होगा, इस डिक्शनरी में एलिमेंट स्टोर नहीं होगा, और अगर ये ट्रू नहीं है तो ये आगे कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। जब तक आपका दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होता है तब तक इस डिक्शनरी में एलिमेंट को ये स्टोर नहीं करेगा। इस तरीके से आप डिक्शनरी के अंदर नेस्टेड कंडीशन का यूज कर सकते हैं, एक कंडीशन के अंदर दूसरे कंडीशन का यूज कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि कैसे हम डिक्शनरी के अंदर इफ और एल्स कंडीशन का यूज कर सकते हैं। अगर कंडीशन मतलब कि अगर डिक्शनरी का की डिविजिबल होगा टू से तो वो डिक्शनरी में एलिमेंट को स्टोर कर देगा, और अगर नहीं होगा तो एल्स पार्ट में आएगा और डिक्शनरी में इनवैलिड सिंटैक्स को वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ गया है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसको की और वैल्यू में एलिमेंट को स्टोर कर दे रहा है, और अगर नहीं है तो उसके वैल्यू में स्टोर कर रहा है इनवैलिड। ये कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, ये हमारा एम्प्टी डिक्शनरी है। रेंज फंक्शन में जो एलिमेंट है हमारा जीरो से लेकर फोर तक है, मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूँ, जीरो से लेकर फोर तक है, ना कि फाइव तक है। जो हमने पहले बताया जीरो से लेकर फाइव तक, वो हमने गलत बताया। क्यों? क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है और फोर तक जाएगा। अगर आप काउंट करेंगे इसकी एलिमेंट को, जीरो वन टू थ्री फोर, टोटल हमारे कितने हो रहे हैं, फाइव हो रहे हैं। जो इटरेटर है एक एक करके रेंज में से एलिमेंट को इटरेट करेगा, जो कि पहला हमारा एलिमेंट होगा आई में जीरो। क्या जीरो डिविजिबल है टू से, जो कि हमारा कंडीशन ट्रू होगा, इसीलिए की में जीरो को स्टोर कर देगा और वैल्यू में जीरो को ही स्टोर कर देगा, जिससे कि हमारा आउटपुट आ रहा है जीरो जीरो। फिर नेक्स्ट एलिमेंट को ये इटरेट करेगा, जो कि हमारा वन हो जाएगा, जीरो से हटकर वन आ जाएगा। क्या वन डिविजिबल है टू से, जो कि हमारा कंडीशन फॉल्स हो रहा है, फिर वो एल्स पार्ट में आएगा, डिक्शनरी के की में वन को स्टोर कर देगा लेकिन वैल्यू में इनवैलिड सिंटैक्स को स्टोर कर देगा, जिससे कि हमारा आउटपुट आ रहा है वन जो हमारा की है और वैल्यू जो हमारा इनवैलिड आ रहा है। फिर उसके बाद ये मूव करेगा फोर लूप पे, फिर दोबारा नेक्स्ट एलिमेंट को इटरेट करेगा, अब आई में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। क्या टू डिविजिबल है टू से, जो कि हमारा कंडीशन ट्रू होगा, डिक्शनरी में की में टू आ जाएगा और वैल्यू में भी टू आ जाएगा, जिससे कि हमारा ये आउटपुट आ रहा है। इस तरीके से ये वर्क करेगा। आप इस तरीके से डिक्शनरी में इफ और एल्स कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डिक्शनरी कंप्रिहेंशन की मदद से कैसे हम इफ और एल्स कंडीशन का यूज कर सकते हैं। पहले आई लेंगे जो कि की होगा, कोलन के बाद हम एक राउंड ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू में कंडीशन लगाएंगे। अगर आई की वैल्यू डिविजिबल है टू से तो वो वैल्यू में आई की वैल्यू को स्टोर कर दे, और अगर कंडीशन हमारा फॉल्स है तो एल्स पार्ट में जाए और क्या हमें प्रिंट करके दिखला दे, इनवैलिड प्रिंट करके दिखला दे। इसके बाहर हम आएंगे और फोर लूप लगाएंगे, फोर आई इन रेंज, जो कि रेंज लेंगे टेन तक। रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ गया है। इस फोर लूप में जो रेंज है इसमें एलिमेंट है हमारा जीरो से लेकर नाइन तक। इटरेटर एक एक करके इस रेंज में से एलिमेंट को इटरेट करेगा और ये आई की वैल्यू इस कंडीशन में चेक करेगा। या आई की वैल्यू डिविजिबल है टू से, अगर डिविजिबल है तो उसी वैल्यू को वैल्यू में स्टोर कर देगा, और अगर डिविजिबल नहीं होगा तो उसमें क्या करेगा, स्टोर इनवैलिड स्टोर कर देगा। ये जो आई है हमारा राउंड ब्रैकेट के बाहर, ये हमारा की पे वर्क करेगा और ये पूरा हमारा वैल्यू में वर्क करेगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि लिस्ट बनाया हमने, एलएसटी नाम से एक लिस्ट बनाया, उसमें एलिमेंट होंगे की और वैल्यू के फॉर्म में। राउंड ब्रैकेट लिया, उसमें एलिमेंट होंगे की और वैल्यू के फॉर्म में। ये जो हमारा 101 और राहुल, ये हमारा एक एलिमेंट होगा, और उसके बाद एक और एलिमेंट लेते हैं जो कि 102 पे होगा, जिसका वैल्यू होगा क्या, रोहन, जो कि की और वैल्यू के फॉर्म में, जिसका 101 की है और वैल्यू हमारा राहुल है। डिक नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम के से की डिनोट करेगा, वी से वैल्यू को डिनोट करेगा, और फोर लूप लगाएंगे के वी इन किस में से, लिस्ट में से। प्रिंट फंक्शन की मदद से हम इसको प्रिंट कर देंगे डिक वन को। रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने लिस्ट के एलिमेंट को डिक्शनरी में रिट्रीव कर दिया है। ये जो 101 है ये इस की में आ जाएगा, के में आ जाएगा, और राहुल जो है ये वैल्यू में आ जाएगा। इस तरीके 102 जो है के में आ जाएगा और रोहन जो है इस वी में आ जाएगा। ये दोनों इस डिक्शनरी में के में स्टोर हो जाएगा और वी में वैल्यू स्टोर हो जाएगा, जिससे कि हमारा आउटपुट आ रहा है 101 जो कि की है और
राहुल जो कि हमारा वैल्यू है। इस तरीके से आप लिस्ट में से भी एलिमेंट को रिट्रीव कर सकते हैं और डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमें पैट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।